हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको दिए गए थे, उनमें से क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसमें से 7 क्वेश्चंस आपको दिए गए थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उन 7 क्वेश्चंस में से पहले के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 7, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, अनु मनु तनु एंड कनु चार पार्टनर्स हैं। वे पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1:2:1। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:3:1 with effect from 1st April 2022. On this date, goodwill of the firm was valued at ₹1,20,000 and general reserve appeared in the books ₹36,000. Past necessary journal entries for the above transactions show your working clearly. तो question एकदम easy था, तो वो सबको समझ में भी आ गया। अब हमें journal entry pass करना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेक्रीफाइस्ड शेयर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, देन ओनली वी कैन डू द जनरल एंट्रीज। चलो तो फिर देखते हैं कैसे सेक्रीफाइस्ड शेयर हम कैलकुलेशन करते हैं। सो आप सभी देख सकते हैं हमने स्क्रीन में सेक्रीफाइस्ड शेयर कैलकुलेशन किया गया है। सेक्रीफाइस्ड शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, देयर वी नो ऑलरेडी। सो अनु के केस में उसका ओल्ड शेयर बनेगा 2/6 माइनस न्यू शेयर बनेगा 4/10 इज इक्वल टू 1/15 नेगेटिव में आया है, दैट मींस गेन हुआ है, राइट। सेम कानु का अगर करते हैं 1/6 माइनस 1/10 इज इक्वल टू 1/15 पॉजिटिव बैलेंस आया है, दैट मींस ये सेक्रीफाइस है। नेक्स्ट मनु का देख लेते, 1/6 माइनस 2/10 इज इक्वल टू 1/30, इसका भी गेन हुआ है क्योंकि माइनस बैलेंस में आया है। सो नेक्स्ट तनु का 2/6 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 1/30, उनका सेक्रीफाइस हुआ है, ठीक है। सो हमें मिल गया दो पार्टनर जिनका सेक्रीफाइस हुआ है, दो पार्टनर जिनका गेन हुआ है, वो भी देखो सिमिलर है। अनु और कनु का सेम वे में गेन हुआ है, सेम नंबर पे सेक्रीफाइस हुआ है, सेम मनु और तनु का भी रिलेटेड है। तो फिर अब उस हिसाब से हम जर्नल एंट्री शुरू करेंगे। बुक्स ऑफ अनु मनु तनु एंड कनु, ये चार लोग हैं, उनके जर्नल एंट्रीज अब हम शुरू करेंगे। सो ये रहा आपके सामने जर्नल एंट्रीज, दो ही जर्नल एंट्री करने हैं। इन फर्स्ट जर्नल एंट्री हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है जनरल रिजर्व को। सो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चार पार्टनर्स जो अवेलेबल हैं उनके कैपिटल अकाउंट। सो जनरल रिजर्व गिवन था 36,000, उसको रेशियो के हिसाब से अगर पार्ट करेंगे सो 12,000, 6,000, 12,000, 6,000। सो नेक्स्ट फिर से 1st April 2022 का डेट सेम वे में, फिर एंट्री है अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट मनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बाकी दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लियर। सो अनु के कैपिटल अकाउंट में होगा 8,000, मनुज के कैपिटल अकाउंट में होगा 4,000। ये कैसे निकाला गया, इनटू उन्हीं का जो फ्रैक्शन निकल के आया वो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना है तो आंसर निकल के आ जाएगा, राइट। फिर तनु का सिमिलर है तो 4,000 हो जाएगा और कानु का 8,000 हो जाएगा, क्लियर। तो यही दो जर्नल एंट्री हमें यहाँ प्रोवाइड करने थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट फील होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर पाऊँगा, एक्सप्लेनेशन दे पाऊँगा, क्लियर। सो टिल देन हैप्पी रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज़ मिस्टर सुप्रिया साइनिंग ऑफ।